और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। रायगढ़ शहर में बीते कुछ महीनों से लव जिहाद से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला योगेंद्र कुमार मिश्रा पिता रूपधर मिश्रा उम्र 57 वर्ष निवारी मिश्रा गली बैकुंठपुर रायगढ़ से जुड़ा है, जिनका आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने उसकी पुत्री ऋचा मिश्रा से विशेष विवाह के लिए 30 जनवरी 2024 को विशेष विवाह अधिनियम के तहत आवेदन किया था। उसके द्वारा दिए गए आवेदन उपरांत विशेष विवाह अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर रायगढ़ ने तहसीलदार रायगढ़ को इश्तेहार प्रकाशन के लिए थाना प्रभारी जुटमिलवा थाना प्रभारी सिटी कोतवाली से रिपोर्ट लेने का निर्देश जारी किया था। साथ ही दैनिक समाचार पत्र में इश्तेहार प्रकाशन दिए जाने का आदेश दिया गया था। इधर विवाह पंजीयन की निर्धारित तारीख 28 मार्च 2024 को मुस्लिम युवक के द्वारा दैनिक समाचार पत्र रायगढ़ अंचल में दिनांक 1 फरवरी 2024 को इश्तेहार प्रकाशित किया गया था, जो कि विशेष विवाह की शर्तों का उल्लंघन है। इस वजह से हिंदू युवती की पीड़ित पिता ने पुलिस प्रशासन और विशेष विवाह अधिकारी रायगढ़ के विरुद्ध जिला कलेक्टर रायगढ़ से लिखित शिकायत करते हुए उक्त विशेष विवाह को निरस्त किए जाने की मांग की है। समुदाय है और हिंदू समुदाय आपस में बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं, लेकिन कुछ युवक जो है मुस्लिम युवक जो है कुछ इस तरह का योजना बनाकर हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, जिससे कि वो समाज भी जो है बदनाम हो रहा है। मैं तो मुस्लिम समाज से आह्वान करता हूँ कि वो आगे आए और उनके समाज के अगर ऐसे युवक जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं तो उनको वो खुद समझाएं, खुद उनको पीछे आगे बढ़ने से रोकें और इस तरह का कृत्य करने से रोकें। उनके समुदाय में बहुत सारी लड़कियां, वो अपने समुदाय में विवाह करें, दूसरे समुदाय में उनको जाने की क्या आवश्यकता है? वो हिंदू युवक तो नहीं जा रहा है किसी के यहाँ। तो यहाँ पर आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय को भी आगे बढ़कर ऐसे युवकों को रोकना चाहिए जो हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाकर विवाह कर रहे हैं। मेरे बच्चे जो है 28 मार्च को शादी थी और इसकी जानकारी मेरे को 21 मार्च को हुआ, और मैं जब यालय में आया पता करने के लिए तो मेरे को उसकी नकल देने के लिए हफ्ते भर घुमाया गया, उसके बाद मेरे को नकल मिला। और ये इसकी पूर्व सूचना मेरे को ना कोई पुलिस से मिली ना ही न्यायालय से मिली, जो सीधे सीधे ये कलेक्टर मैडम का मिली भगत का शंका मेरे को हो रहा है। विवाह अधिनियम का कोई पालन नहीं किया गया है क्या? आपको मिली 21 मार्च को मिले विवाह हो चुका था। तो मैं कोर्ट में आया पता किया तो मैडम कभी छुट्टी पे है, तो कभी बच्चे का तबीयत खराब है, तो कभी अभी आएंगी कभी शाम को आएंगी, 4-5 दिन मेरे को घूमना पड़ा। अभी ज्ञापन सौंपने आया? अभी मैं ज्ञापन सौंपने आया, अभी तक बच्चे को मैं कॉन्टेक्ट में था, अब ये सीधा सीधा शिकायत में पत्र दे रहा हूँ। क्या शिकायत? शिकायत ये है कि भाई कलेक्टर मैडम ने कोई नियमों का पालन नहीं किया है ना, अतिरिक्त कलेक्टर हो? हाँ, अतिरिक्त कलेक्टर जो एरिया में। दूसरा, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तीसरा, वकील जो भी इसमें इन्वॉल्व है ना, उनकी भी मिली भगत है, रिश्वत लेके सब काम कर रहे हैं। जो मेरे को न्याय चाहिए।